हे हाय हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं पवन सगड़ एंड वेलकम बैक टू फिल्म डाउन। दोस्तों, कार्तिक आर्यन स्टारिंग भूल भुलैया 2 अपने नज़दीकी सिनेमा में घरों में लग चुकी है। आइए हमारे खास एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनको किस खास तरीके से मूवी पसंद आई है। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे अनुप जी, हमारे न्यू एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक टू फिल्म डाउन। थैंक यू। किस खास तरीके से आपको कार्तिक आर्यन की मूवी भूल भुलैया 2 पसंद आई? बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आई है, थोड़ी सी काफ़ी ड्रैग लगी बीच बीच में, पर इसको हम ब्लेम करेंगे कि जो पहली भूल भुलैया थी उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी है पूरी इस फिल्म से, हॉरर कॉमेडी जो है। तो सेकंड वाली जो है उतना हमको अपील नहीं कर रही है, और इसका मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि स्टोरी लाइन जो है वो थोड़ी सी वीक है यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी कास्ट की जो कास्टिंग है वो थोड़ी सी वीक है। तो उतना अपील नहीं किया है मुझे भूल भुलैया 2 ने जितना फर्स्ट ने किया था। अच्छा, कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी अगर काम की बात करें तो काम कैसा था? दोनों ने काम बहुत अच्छा किया है, उनके काम को लेके कोई शिकायत नहीं है। दे हैव डन जस्टिस टू देयर जॉब। और कार्तिक आर्यन, देखिए हमको पता है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, कियारा आडवाणी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और बिकॉज कार्तिक आर्यन जो है उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, डायलॉग डिलीवरी है, फेस कट हो गया, जो एक थोड़ी सी एक जो ऑन कैमरा जो उनका एक प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक अक्षय कुमार जी से हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए भूल भुलैया 2 के लिए जो नेचुरल चॉइस थी वो कार्तिक आर्यन थी। कियारा आडवाणी जो है उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है, और देर इज़ नो कम्प्लेंट अबाउट हर वर्क। दोनों की पेयरिंग जो है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है स्क्रीन पे, और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं इन लोगों को और देखूँ साथ में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंपेयरिंग दिस पार्ट विद द अक्षय कुमार फर्स्ट पार्ट, क्या कहना चाहेंगे अगर कंपैरिजन अगर करें तो क्या, कौन सा पार्ट बेहतर आपको सबसे ज़्यादा लगा? देखिए, कंपैरिजन तो होना ही है, क्योंकि पहली वाली जो भूल भुलैया थी उसे हम ऑलमोस्ट 20 साल पहले देखा था, और उसने आज तक हमारे मन के अंदर एक छाप छोड़ के रखी हुई है, और ये छाप आपको दिखती है जब राजपाल यादव जी की एंट्री होती है। उनकी एंट्री पर ही जो लोगों की तालियां और सीटियां बज गई वो बता देता है कि पहली भूल भुलैया ने कितना इम्पैक्ट किया हुआ है लोगों के ऊपर आज तक। तो कंपैरिजन होना जो है वो बहुत ही नेचुरल है, और यहाँ पे कंपैरिजन मुझे लगता है कि स्टोरी में ज़्यादा होना चाहिए, ना कि अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन को। पर क्योंकि अक्षय कुमार जी ने उस कैरेक्टर में इतनी जान फूंकी थी, तो कहीं ना कहीं ये कार्तिक आर्यन जी के लिए एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे उनको अक्षय कुमार जी से कंपेयर किया जाएगा। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्षय कुमार जी बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है, उनका जो टाइमिंग है, उनका तजुर्बा जो है वो बहुत अलग लेवल का है। कार्तिक आर्यन भले ही अभी हम पिछले 8 साल से उन्हें देख रहे हों, पर फिर भी उन्होंने फिल्में कम की हैं, वो अभी भी एक टाइप से इमर्जिंग स्टार है हमारे लिए, तो कंपेरिजन होना ही है। अच्छा, क्या लगता है आपको, बीच में खबरें जैसे चल रही थी कि अक्षय कुमार है इसमें कैमियो रोल दिखाने जाने वाला है, तो जो जिस तरीके से नहीं दिखाया है, तो क्या आपको उसके ऊपर कहना है? थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि अक्षय कुमार जी का कैमियो नहीं है, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो 2 मिनट का ऐसा कैरेक्टर या आएगा जहाँ पे जो अक्षय कुमार जी प्ले करेंगे, और उससे हमको भी थोड़ा सा एक स्क्रीन पे एक जिसे कहते हैं कि अब ब्रीदर ऑन द स्क्रीन, एक फ्रेशनेस जो होता है, एक जो वाव वाली फील आती है वो होगा, बट वैसा हुआ नहीं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैं हूँ उस चीज़ से, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि देखिए, अगर ऑन स्क्रीन कोई स्कोप नहीं था उनके कैरेक्टर को ऐड करने का, तो एटलीस्ट जो है जो प्रमोशनल सॉन्ग था सबसे एंड में, भूल भुलैया का जो टाइटल सॉन्ग है, अगर उसी में कार्तिक आर्यन जी के साथ अक्षय कुमार को रख देते तो शायद हमको वो भी अच्छा लगता। पर दोनों ही जगह अक्षय कुमार को मिस डेफिनेटली हम लोगों ने किया है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मैं डेफिनेटली हूँ। अगर गाने की बात करें तो गाने आपको कितने खास पसंद आए? गाने तो कोई याद ही नहीं है। देखिए, गाना मुझे सबसे पहला इसलिए याद है क्योंकि वो गाने ने इतना परेशान किया है मुझे साइकोलॉजी की, लगा था कि ये नहीं भी होता तो चल जाता, और ऐसी फील आई है कि जैसे जो पहला वाला गाना है जिसे शायद से जिसका नाम दे ताली है, ऐसा लग रहा था कि एक फोर्स्ड सिचुएशन पैदा की जा रही है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री बनाने के लिए शुरुआत में, और अगर वो गाना नहीं भी होता तो शायद से इस फिल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 5 मिनट बच ही जाते। तो प्रीतम जी का म्यूज़िक है डिसअपॉइंटिंग है। आमी जे तुमार जो है वो पहली भूल भुलैया में भी था, तेरी आंखें भूल भुलैया जो टाइटल सॉन्ग है वो पहली में भी था, उसी को यहाँ पे जो खींचा गया है तो वो जाहिर सी बात है हमें अच्छा लगने ही वाला है, बट उसके अलावा जो नए गाने हैं 2 हैं, दोनों ने ही हमें काफ़ी डिसअपॉइंट किया। इस मूवी का जॉनर एज अ हॉरर कॉमेडी बताया जा रहा है, तो कितना आप हंसे और कितना मतलब आपको डरा हुआ ऐसा माहौल? ना मैं बहुत ज़्यादा हंसा लोटपोट होकर, ना ही मैं बिल्कुल डर गया कि अब क्या होगा ऐसा। जैसे पहली वाली भूल भुलैया के कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे हम बेइंतहा हंसे, और उसमें ही कुछ कुछ मौके ऐसे थे जहाँ पे विद्या बालन ने अपनी अदाओं से, अपने लुक से हमको इतना डराया भी,
ठीक है, तो हम उनको डरे भी हम वहाँ पे। पर सेकंड वाली जो ऐसी है इसमें बहुत ही एवरेज हंसी वाले सीन्स भी हैं और बहुत ही एवरेज डरावने वाले सीन्स भी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने हमको बहुत हंसाया और किसी ने हमको बहुत डराया है। हंसाया भी है तो बीच बीच में 5-6 मिनट का पैच आ जाता था, वो हमें 4-5-10 सेकंड के लिए हंसा के वो फिल्म आगे बढ़ जाती है तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। पहली वाली में ऐसा था कि जब वो फिल्म हमें हंसाती थी तो हम वहाँ पे ही रुक के 10-15 सेकंड हंस रहे होते थे। इस फिल्म में ऐसा नहीं था। लास्ट सवाल देखा, 5 में से आप रेटिंग कितना जाएंगे? 2 स्टार देना चाहूँगा। 2 स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, इतना अच्छा आपका ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए। दोस्तों अगर आपने देखी है भूलभुलैया 2 तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। मिलते हैं कौन से नए वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहेगा फिल्मी टाउन।